तो गाइस अब आप लोग देखने वाले हो 100 ईयर सर्वाइवर ऑफ कैप्टन अमेरिका, जिसके अंदर आप लोग देखोगे कैसे ये सिंपल सा बंदा स्टीव रोजर्स, जैसे आप कैप्टन अमेरिका भी जानते, कैसे बना फर्स्ट अवेंजर। तो गाइस टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सुमित पे अभी ये क्या कर रहा है? तो गाइस अभी अपने स्टीव रोजर्स आया हुआ है आर्मी की भर्ती की देखने के लिए, क्या क्योंकि भाई कैप्टन अमेरिका को मतलब स्टीव रोजर्स को लगना था अगर मतलब आर्मी के अंदर, तो यहाँ पर स्टीव रोजर्स को बुला दिया गया है, जो प्रोफेसर है जो भी ऑफिसर्स उन्होंने, और यहाँ पर स्टीव रोजर्स को देखते हो यार काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोलने लग गए। जो ऑफिसर से वहां पर बोलने लगे, अबे ओए तू इतना पतला सा है, तू यहाँ पर जंग लड़ेगा है, अगर कहीं नहीं इधर उधर तेरे पंच मार दें तो तू मर जाएगा, टूट के बिगड़ जाएगा, जा रहे मैं तेरी जान बचा रहा हूँ, यहाँ से चला जा आराम से, तेरे बस की नहीं है, फौज जाके कहीं नौकरी कर कोई अच्छी सी। यार ये सब सुनकर हमारे स्टीव रोजर्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और भाई हमारे स्टीव रोजर्स हमेशा से आर्मी के अंदर रहना चाहते क्योंकि यार इनका सपना है एक आर्मी ऑफिसर बनना यार। तो यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए स्टीव रोजर्स, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा दुबले पतले पर यार मन के बहुत ही अच्छे इंसान थे स्टीव रोजर्स यार। अब यहाँ से जाने लगे और यहाँ पर यार सभी उसका मजाक उड़ाने लगे कि इतना दुबला पतला बंदा आखिर कैसे फौज के अंदर लग सकता है, तो वहां से उसे भगा दिया। सुमित पे ये क्या हुआ? इस गाड़ी के अंदर बम है। तो गाइस यहाँ पर ये बात सुनकर बम लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, भाई स्टीव रोजर्स लेके चले गए इस गाड़ी को यार, यहाँ पर बहुत स्पीड से गाड़ी को भगाते हुए यार दूसरों की जान बचाते हुए ये गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया। अपनी जान की फिक्र ना करते हुए स्टीव रोजर्स यार बम वाली गाड़ी को अपने साथ लेके आ गए, और यहाँ पर एकदम गाड़ी के अंदर हो चुका है विस्फोट। गाइस देखो यार स्टीव रोजर्स ने सभी के सभी लोगों की वहां पर जान बचा लिया गाइस। तो गाइस ये चीज देखकर वहां के आर्मी ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो बोला, सॉरी स्टीव रोजर्स, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ही सोल्जर्स चाहिए, स्टीव रोजर्स आते तुम सोल्जर हो। फिर यहाँ पर ये बात सुनकर स्टीव रोजर बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि यार वो सोल्जर बन चुके थे, और यार आज से एक सोल्जर बन चुका था, वो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था कि यार उसका सपना था एक सोल्जर बनना, और गाइस उसकी अच्छाइयों की वजह से वो बन चुका था सोल्जर। यार वो बहुत ज्यादा खुश था मिलिट्री के अंदर आके, यार वो इतना ज्यादा उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। और गाइस यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने बुलाया था स्टीव रोजर्स को, स्टीव रोजर्स क्या तुम मेरे साथ मेरी साइंस लैब में चलोगे? इतनी सी बात कैसे पीछे से आवाज आई, गाड़ी को पकड़ो। वहां पर पता नहीं गाइस एक गाड़ी भग रही थी रेड कलर की, वहां पर भाई एकदम बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वहां पर जो ये साइंटिस्ट था वो भी मारा गया। तो यार अभी स्टीव रोजर्स यार अभी एक सोल्जर बन चुका है, तो यार वो अभी उस गाड़ी के पीछे लग गया, जो उनकी गाड़ी अभी निकल के भगी थी मिलिट्री बेस के अंदर से। जैसा कि यार सोल्जर्स भाई पीछे करता है तो यार ये सोल्जर भी पीछा करेगा, उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगा के भगा रखी है। तो भाई वो गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी इसलिए स्टीव रोजर्स उसे नहीं पकड़ पाए, पर यार स्टीव रोजर्स को लगा कि वो गाड़ी जाने वाली है एयरपोर्ट पर। यार एयरपोर्ट में स्टीव रोजर्स पहुंच गया, और गाइस यहां पर हमारे आंखें खुली रखनी है, हमें देखना है कहां पर वो गाड़ी वाला कहां पर गया। तो गाइस वो गाड़ी जो हमने देखी थी, और गाइस उसमें से एक बंदा निकल के बाहर भाग रहा है, वो और कोई नहीं गाइस आप लोग जानते हो वो है रेड स्कल। तो गाइस जैसे स्टीव रोजर्स उस गाड़ी के पास गए, उस प्लेन के पास जाने लगा, वहीं पर एकदम वो प्लेन उड़ान भर लिया। गाइस जो गाड़ी वो रेड स्कल लेके भगा था ना, वही गाड़ी में बैठ के स्टीव रोजर्स वहां से जाने लगे। और गाइस यहां पर भाई रेड स्कल ने चुरा लिया था टेजरेक मिलिट्री बेस, तो आप लोगों को पता ही है वो एक अनंत मणि है, वो भी एक तरीके वो 6 मणियों में से एक मणि है। गाइस वो रेड स्कल लेके भाग चुका था क्योंकि उसे बहुत हाईटेक वेपन बनाने थे। यहां पर स्टीव रोजर्स यार रेड स्कल का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे, पर यार उसका प्लेन फाइनल यार टेक ऑफ कर चुका था, पर यार यहां पर उसकी गाड़ी के अंदर भी बॉम्ब लग रहे थे और वो बॉम्ब भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गए क्योंकि रेड स्कल को पता था कि अपनी गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा दी और भाई स्टीव रोजर्स पानी के अंदर जा बसे। तो गाइस अभी ये बात लगभग 50 साल बाद की, मतलब स्टीव रोजर्स की उम्र हो चुकी है अब लगभग 75 ईयर्स, और यहां पर आप लोग देख सकते हो स्टीव रोजर्स के ऊपर कुछ रिसर्च हो रही है। ये वही साइंटिस्ट का बेटा है जो भाई उस साइंटिस्ट मारा गया था वहां पर, तो गाइस ये उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे। गाइस हमें पता है कि असल में क्या हो रहा है, आप लोगों ने अगर कैप्टन अमेरिका देखी है, हमारे स्टीव रोजर्स को ऐसे ही मिली थी कैप्टन अमेरिका की पावर्स। हाँ गाइस कैप्टन अमेरिका की सुपर पावर्स हमारे स्टीव रोजर्स को ऐसे ही मिली थी यार, ये कुछ एक्सपेरिमेंट होने के बाद। तो गाइस यहाँ पर हमारे आ चुके हैं कैप्टन अमेरिका भाई अपनी सुपर पावर्स के साथ, यहाँ पर भाई बहुत ही तगड़ा वाला एक्सपेरिमेंट हुआ है। कैप्टन रोजर्स तुम्हारा स्वागत है, तुम फाइनली मेरे एक्सपेरिमेंट के सबसे पहले सक्सेसफुल इंसान हो। आखिर तुमने मुझे ही इस एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया? काफी इंसान थे, काफी और सोल्जर्स थे, पर तुमने मुझे ही क्यों लिया? क्योंकि तुमसे अच्छा इंसान नहीं है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे एक्सपेरिमेंट से जो सुपर पावर्स मिलेगी वो कोई ऐसे इंसान के पास जाए जो इनका दुरुपयोग किए, पर मैंने जब तुम्हारी वहां पर अच्छाई देखी कि तुम अपनी जान को दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये शक्तियां दी है, जाओ इसका सदुपयोग करो। तो गाइस ये बात सुन के हमारे कैप्टन अमेरिका आ चुके हैं यार रेड स्कल को पकड़,
पकड़ने के लिए और वो टेजरेक को हासिल करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर टेजरेक को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कैप्टन अमेरिका को आखिर रेड स्कल है कहाँ पर। तो भाई रेड स्कल यहाँ पर कुछ बंदों को मारते पीटते हैं जिनसे ये जानकारी लगवाते हैं कि कहाँ पर असल में रेड स्कल का अड्डा है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका लगभग 50 सालों से बर्फ के अंदर दफन था। यहाँ पर हो गई फाइट शुरू। तो गाइस यहाँ पर भाई रेड स्कल के बंदों को मारने लगे हमारे कैप्टन अमेरिका, जिससे ये पता लग जाए कि रेड स्कल कहाँ पर और कहाँ वो टेजरेक को लेके गया है। और गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से भाई कैप्टन अमेरिका मार रहे हैं। भाई देखो यार क्या ही स्टाइल से मार रहे भाई साहब। यहाँ पर इन्होंने गाड़ी पूरी हवा में उठा लिया भाई। कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस, आप लोग देख सकते हो। जैसे गाइस ऐसे कैप्टन अमेरिका को अपनी सुपर पावर्स मिली थी, अगर आपने मूवी देखी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसी टाइप से कुछ कैप्टन अमेरिका को हमारे पावर्स मिली थी। यार मैं पूरी कोशिश की है जैसे आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर बहुत बुरी तरह मार रहे हैं यार बंदों को यार कैप्टन अमेरिका। यार क्या ही खतरनाक शील्ड है कैप्टन अमेरिका की। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड बगा के मारते हैं इस बंदे को, यहीं पर घायल कर देते हैं। कैप्टन अमेरिका दूसरों को मारते नहीं है जान के भाई साहब। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है कैप्टन अमेरिका की, वो किसी को जान से नहीं मारते कभी। कैप्टन अमेरिका बहुत अच्छे इंसान है इसलिए उनको ये पावर्स दी गई है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड फेंक के मारते उन बंदों के ऊपर जो बंदे भाग रहे हैं। पर तो फिर से ये बिल्कुल परफेक्ट शॉट यहाँ पर इन दोनों को लिटा दिया। यहाँ पर इसको भी ये हेड शॉट मारा भाई साहब, क्या ही तगड़े हिसाब से मार रहे हैं। तो भाई यहाँ पर इस वाले बंदे को ब्योज कर दिया। ये कहाँ पर भाग रहे, तू कहाँ पर भागेगा चूजे। उसमें कैप्टन अमेरिका तो बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई साहब। कैप्टन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भर गए यार वो रेड स्कल का पता निकलवा ले गुंडों से। पर कैप्टन अमेरिका पूरी कोशिश कर चुके हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका लास्ट वाले गुंडों के पीछे भाग रहे बहुत अच्छी तरह। यहाँ पर बस इसको एक हेड शॉट मारना है, ये मरा। यहाँ पर भाई इसको भी हमने नीचे लौटा दिया भाई। अब यहाँ पर आप आगे सुने, यहाँ पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं, तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं अगर तुझे जिंदा रहना है तो चुपचाप ये बता दे कि रेड स्कल का ठिकाना कहाँ पर है। इसी के साथ ये बंदा बता देता है रेड स्कल का ठिकाना है मिलिट्री बेस में। तो गाइस यहाँ पर भाई रेड स्कल का ठिकाना भाई कैप्टन अमेरिका को पता लग चुका है। बट यार इस बंदे को छोड़ने वाले है नहीं, क्योंकि अगर इस बंदे को इन्होंने जिंदा छोड़ दिया ना तो भाई रेड स्कल के पास जाके ये बंदा बता देगा कि आखिर में स्टीव रोजर्स नाम का एक व्यक्ति है जो इसे मारने आ रहे हैं। इससे पहले ये उसको बताए हमें इसको मारना पड़ेगा यहीं पर ही। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर भी इसको भी बेहोश कर दिया। तो गाइस फाइनली मैंने सारे गुंडों को मार पीट के एक साइड कर दिया है। अब मेरे को जाना है टेजरक को लेने के लिए रेड स्कल के पास। आ रहा हूँ रेड स्कल, बच के रहियो। तो गाइस यहाँ पर हमारे कैप्टन अमेरिका अपनी धासु वाली मोटरसाइकिल को लेके जा रहे हैं रेड स्कल को धूल चटाने के लिए और उसे टेजरक लेने के लिए। गाइस लो फाइनली हमारे कैप्टन अमेरिका आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ चुके हैं भाई रेड स्कल की जगह पर, जहाँ पर रेड स्कल है। तो गाइस देखो वहाँ पर नीचे है भाई रेड स्कल। तो भाई कैप्टन अमेरिका डायरेक्ट अपनी बुलेट को लेके यहाँ से डायरेक्ट फ्लाई ओवर मारेंगे। तो गाइस यहाँ पर कितने तगड़ी तरीके से यार भाई कैप्टन अमेरिका आ चुके हैं फाइनली अंदर। तो भाई इनकी मोटरसाइकिल पूरी तबाह हो चुकी है यार, ये तो सुपर पावर वाली है नहीं। तो गाइस यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ चुके रेड स्कल के इलाके में और गाइस इन बंदों को मार के रेड स्कल को भी हम बता देंगे। और गाइस आप लोग देख सकते हैं रेड स्कल का जो भी बंदा है वो सारे रेड कपड़े पहरे हुए, से ये पता लगता है रेड स्कल यहीं पर होने वाला है। अगर रेड स्कल यहीं हुआ ना तो मैं उसको यहीं पर मार डालूंगा। और भाई कहानी खत्म, बस टेजरक को लेके मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि टेजरक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन्स बनाने वाला है। वो वेपन्स ने ज्यादा खतरनाक है कि एक रेड स्कल जैसे आतंकवादी के हाथ में अगर वो टेजरक की पावर्स लग गई तो यार बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा। इससे पहले मैं सबको मार दूंगा। तो गाइस ये अभी जो आपको सन बता देता हूँ ये कौन सा चल रहा है, ये अभी चल रहा है लगभग 1978 अराउंड में, जहाँ पर भाई कैप्टन अमेरिका लड़ रहा है रेड स्कल से। तो गाइस रेड स्कल के ठिकाने पर आ चुका है फाइनली कैप्टन अमेरिका। और गाइस आप लोग देख सकते हो जितने भी यहाँ पर वेपन्स यूज किए जा रहे हैं वो सारे टेजरक की पावर से बनाए गए हैं, एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर से बनाए गए हैं। उसमें पे आइए तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर से सही नहीं। गाइस आप लोगों को पता नहीं है कितना ही ज्यादा, अगर आपने मार्वल्स की सारी मूवीज फॉलो करते हो सारी मूवीज देखी तो आपको पता ही होगा इन्फिनिटी स्टोन कितनी ज्यादा ही पावरफुल है। जितने बंदों ने यार मार्वल्स की मूवी देखी यार कमेंट बॉक्स में मार्वल ओपी जरूर कर देना गाइस, कमेंट में जरूर कमेंट करना गाइस। तो यहाँ पर यार हम रेड स्कल के पास आज को रेड स्कल आते ही आ गए मियां, अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे स्टीव रोजर्स, अब तुम्हें मरना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा तू मारेगा हमारे कैप्टन अमेरिका को, तेरी ऐसी तैसी। मैं नहीं मारूंगा, तुम्हें विंटर सोल्जर मारेगा। तुम विंटर सोल्जर से कभी नहीं बच पाओगे मियां। ये विंटर सोल्जर तू मारेगा मेरे को, विंटर सोल्जर तेरी एस्तेसी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुमने विंटर सोल्जर पे हाथ उठाया, तुम्हारी एस्तेसी कैप्टन अमेरिका। बग्गी तुम जिंदा हो, बग्गी तुम जिंदा हो, बग्गी मैं तुम्हारा दोस्त। तुम मेरे कोई भी दोस्त नहीं हो। नहीं बग्गी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बग्गी तुम मुझे नहीं पहचानते क्या, तुम्हारा पूरा नाम बग्गी बांस है। बग्गी तुम मुझे भूल गए। बग्गी मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त है यार, तू भूल गया क्या।
रूममेट थे यार, अपन रूम शेयर करते थे यार, तू नहीं तो मेरे को यार हमेशा सिखाया यार। बाकी तू मेरे को भूल गया? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मेरे मालिक सिर्फ रेड स्कल है। बाकी यार उसने तेरे ऊपर कुछ कर रखा है यार, उसने तेरे ऊपर कुछ पावर्स यूज करके तेरी याददाश्त मिटा दी है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। बाकी यार नहीं यार, बाकी तू मेरा दोस्त है यार, मैं तेरा स्टीव रोजर्स दोस्त हूँ, कैप्टन अमेरिका था स्टीव रोजर्स, इसको मार के बाहर आ जाना। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा यार, बगी के ऊपर कुछ सुपर पावर्स यार इसकी सारी याददाश्त मिटा दी थी यार, यहाँ कैप्टन अमेरिका को बहुत बुरी तरह मार रहा है यार। भाई बगी को बिल्कुल याद नहीं है कि इसका दोस्त स्टीव रोजर्स है, जो इसका रूममेट रहा करता है, इसका बचपन का दोस्त है। तो गाइस यहाँ पर अब आगे देखे, बगी मैं तेरा दोस्त हूँ, बगी मेरे को याद कर, बगी अपन दोनों साथ में रहते थे, भूल गया? बगी मैं तेरा दोस्त स्टीव रोजर्स हूँ। स्टीव रोजर्स, ये क्या हो रहा है मेरे सिर में, इससे मेरे सिर में क्या हो रहा है? बहुत स्टीव 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 में सब कुछ याद आ गया मेरे। स्टीव यार तू कैसे है? वो बाद में देखेंगे यार बाकी, पर यहाँ से जल्दी से रेड स्कल को रोकना होगा। अरे पहले अपनी यार शील्ड तो ले ले यार, कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी ना क्या। तो देख बाकी मेरे को शील्ड देने के लिए थैंक यू, पर आप आपको यार जल्दी से यार कर यार, आपको जल्दी से रेड स्कल को रोकना पड़ेगा। क्यों यार उसको, उसके पास यार टेजरक है यार, टेजरक को आपको लेना पड़ेगा। क्या है टेजरक? वो मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा। उन्होंने तेरी याददाश्त मिटा दी थी सारी की सारी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जब भी तो कह रहा हूँ जल्दी से मेरे पीछे आओ, मेरे को जल्दी से यार गाइस उसको रोकना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर भाई हमारे कैप्टन अमेरिका जा रहे हैं जल्दी से उसको रोकने के लिए। तो भाई वो खड़ा रेड स्कल को जल्दी से यहाँ पर रोकते हैं। मियाँ बहुत देर हो गई है, अब मैं असली शक्तियाँ यूज करूंगा इस टेजरक की, इस इन्फिनिटी स्टोन की सारी शक्तियाँ मेरी होगी। तो गाइस यहाँ पर रेड स्कल ने यार अपने हाथों से टेजरक को छू दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान अपने हाथों से टेजरक को नहीं छू सकता। तो यहाँ पर भाई कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड मारी और यहाँ पर ये गायब हो चुका है। पर यहाँ पर भाई आप तो देख सकते हैं इन्फिनिटी स्टोन अब भी यहीं पर है। तो गाइस यहाँ पर भाई टेजरक मिल चुका था कैप्टन अमेरिका को, इस तरह से गाइस मिल चुका था हमें टेजरक अब आगे की कहानी। तो गाइस अब हमारे कैप्टन अमेरिका हो चुका है पूरे 100 साल का, और गाइस आप लोगों को पता होगा ये कहानी है एंड गेम की, जिसके अंदर भाई थैनोस ने हमला किया था धरती के ऊपर। तो गाइस यहां पर धरती के ऊपर अटैक करने के बाद यहां पर कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया भाई कैप्टन अमेरिका को बहुत बुरी तरह। गाइस यहां हमारे सारे एवेंजर्स हार चुके, तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत बुरी तरह यार, बहुत बुरी वाली फाइट हो रही, सारे एवेंजर्स हारने की कगार पर आ गए। तो यार भाई कैप्टन अमेरिका बहुत बुरी तरह फाइट कर रहे, पर यार कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि यार हमारे थैनोस के पास है इंफिनिटी पावर, क्योंकि उसके पास सारे इंफिनिटी स्टोन थे, और गाइस यहां पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है इंफिनिटी स्टोन लेके हमारे कैप्टन अमेरिका के ऊपर। कैप्टन अमेरिका तुम जीत जाओगे। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा बहुत बुरी तरह मार रहा है यहां पर, आप देख सकते हैं थैनोस कैप्टन अमेरिका को, ये बहुत बुरी वाली फाइट हो रही है यहां पर। उसमें पे कैप्टन अमेरिका बचाओ। तो गाइस यहां पर भाई कैप्टन अमेरिका भी बेहोश होने वाला था, बहुत ज्यादा पिट चुका था कैप्टन अमेरिका। तो गाइस यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट, और हमारे कैप्टन अमेरिका ने उठा लिया है थोर का हथौड़ा। थोर के हथौड़े को उठाने के लिए बस उसके कैपेबल होना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि कैप्टन अमेरिका बिल्कुल भी बुराई का साथ नहीं देता है, और वो इस चीज को उठाने के लिए कैपेबल है। इसलिए यार थोर का हैमर मिल चुका है भाई कैप्टन अमेरिका को, यार ये बहुत ही बड़ी बात है, और यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह भाई अब ढूंढने वाला है भाई कैप्टन अमेरिका इस थैनोस को। थैनोस को बहुत बुरी तरह पीटेगा भी यार कैप्टन अमेरिका, अब आए नंबर चार, अब आएगा कैप्टन अमेरिका का पावर। तो गाइस यहाँ पर बहुत भयंकर वाली फाइट हो रही थी, जब भाई कैप्टन अमेरिका को मिल चुका था थोर का हैमर मियोर्नी, तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही है यहाँ पर भाई। पर यार थोर थैनोस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यार इसके पास इन्फिनिटी स्टोन है। तो गाइस अगर हमें थैनोस को हराना है तो यार हमें बिल्कुल मौका नहीं देना है उसको मारने का अपने ऊपर, क्योंकि यार अगर उसने इन्फिनिटी स्टोन ज्यादा यूज कर लिए तो यार ये धरती तबाह हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर बिना सोचे समझे भाई कैप्टन अमेरिका बहुत बुरी तरह मार रहे थैनोस को भाई, एक सेकंड का भी इसको राहत नहीं दे रही है मारते। गाइस देख सकते हो इतना ज्यादा मार रहे हैं, उसमें भाई ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये मरी नहीं रहा है, क्या खा के आया घर से, क्योंकि यार सिंचन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तेरे को पता है हल्क को भी इसने बिना शक्तियों का राजा भाई, यहाँ पर कितनी खतरनाक वाली भाई फाइट हो रही है भाई, थैनोस से मर क्यों नहीं रहा है, उसमें भाई ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो भाई साहब इतने खतरनाक शॉट मारने के बाद भी थैनोस अभी तक जिंदा है, पर यार थैनोस पर भाई हमारा कैप्टन अमेरिका थोर के हथौड़े के साथ इसकी बैंड बजा डालेगा। वॉइस ऑफ तुम देख सकते हो भाई कैप्टन अमेरिका को गुस्सा आ चुका है, वॉइस ऑफ कितनी बुरी तरह मार रहा है भाई ये थैनोस को, उठा उठा के उसे मिलते हैं बहुत ज्यादा। ओ भाई यार इसने यहाँ पर बहुत बुरी तरह मारा है भाई कैप्टन अमेरिका को, पर इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, कितनी खतरनाक लाइटनिंग स्नाइक हुई है यहाँ पर भाई साहब, उसमें बहुत तगड़ा है ये तो। तो गाइस यहाँ पर भाई थैनोस भी हार नहीं मार रहा है, तो गाइस यहाँ पर बहुत ही फैंटास्टिक वाली फाइट हो रही है भाई साहब, ये अपनी सुपर पावर्स को यूज कर रहा है थैनोस बहुत ज्यादा। कैप्टन अमेरिका तेरे को ही जीतना है, तो भाई एक और लाइटनिंग स्ट्राइक, बहुत खतरनाक वाली लाइटनिंग स्ट्राइक मारते हुए यहाँ पर थैनोस को, थैनोस की तो बैंड बजा दी कैप्टन अमेरिका ने बिल्कुल ही, उसमें मजे ही आ गए बिल्कुल ही। भाई
था। अब मेरे हिसाब से थैनोस मरेगा, पर यार अभी तक नहीं मरा यार। कितना खाता है यार, कितना ज्यादा ताकत है यार इसके अंदर। भाई साहब इसने अपने थोर भाई अपने भाई कैप्टन अमेरिका इसने पत्थरों में चेंज कर दिया। उस दिन भैया ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। भाई साहब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, तेरी ऐसी तो हमें पत्थर में चेंज करेगा। भाई साहब बुरी तरह मार रहे भाई हैं यहाँ पर हमारा कैप्टन अमेरिका, ये कोर बहुत ही तगड़ा वाला स्ट्राइक। भाई ये कब मरेगा यार, इतनी देर हो गई पिटते पिटते पिटे। भाई साहब अब भी थैनोस बिल्कुल जिंदा खड़ा है यार, ये कब मरेगा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। उस उम्मीद में हम जरूर जीतेंगे। भाई ये इसको भाई इन्फिनिटी स्टोन यूज ही नहीं करने देना है, बस यार ये मरने वाला होगा। ओ भाई साहब इसने यार टेलीपोर्ट कर लिया अपने आप को भाई दूसरी जगह पर, क्योंकि यार इस बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है भाई थैनोस। भाई बस थोड़ी सी और देर बाद उसके बाद ये मर जाएगा। अब मेरे को लगता है मेरे को सबसे ज़्यादा सुपर पावर्स अपनी यूज़ करनी पड़ेगी। तो गाइस अब आ चुका है थंडर ऑफ गॉड की पावर यूज़ करने का टाइम। ये सबसे खतरनाक स्ट्राइक मारने वाला हूँ मैं। भाई यहाँ पर कैप्टन अमेरिका सबसे खतरनाक पावर वाली स्ट्राइक मारने वाले। गाइस कितनी खतरनाक स्ट्राइक मारी यहाँ पर थैनोस के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर भाई अब भी ये जिंदा है वो। फाइनली गाइस फाइनली थैनोस को कैप्टन अमेरिका ने मार डाला है। तो गाइस यहाँ पर बहुत बुरी तरह धूल चटा दी गई है हमारे थैनोस को। यहाँ पर भाई अब भी स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारे जा रहे हैं जिससे ये जिंदा ना हो सके कभी। इसको भाई बिल्कुल गॉड डाला है यहाँ पर, इसको टेलीपोर्ट कर दिया है हमेशा के लिए दूसरी जगह पर। तो गाइस यहाँ पर इसको टेलीपोर्ट कर दिया गया है दूसरी जगह पर, गाइस आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यार मैंने पूरी कोशिश की 100 ईयर ऑफ सर्वाइविंग बनाने की यार, कैप्टन अमेरिका की पूरी मूवी वाली फीलिंग आप लोगों को आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है, जो मूवी में दिखाया गया है वही आपको गेम में दिखाने की कोशिश की है। तो गाइस कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस मिलेंगे कोई ऐसी फैंटास्टिक गेम प्ले में। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो करना मत भूलना। We know how to party, pull out the-